राहुल जी बोलेंगे, पहले राहुल जी बोलेंगे। साथियों शांत हो जाइए, अभी राहुल जी बोलेंगे, शांत हो जाइए। नमस्कार, 2 मिनट। हाँ नमस्कार, सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है, सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, थैंक यू। Address of Congress leader Rahul Gandhi once again making this entire victory about the hate politics versus the narrative of the Congress party. Let's see how much of that rally is successful at the central level when the elections happen for Lok Sabha. This was a state election and clearly completely different factors at play, but that's the narrative that the Congress party is asserting right now. A